वेलकम गाइस, मैं हूँ बासित। तो गाइस आज मैं अवेलेबल हूँ एक नई व्हीकल के साथ। चलिए गाइस देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या डिज़ाइन और बिल्ट है, क्या परफॉर्मेंस देती है व्हीकल और क्या फीचर्स है इस व्हीकल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये है भारत बेंच 1917R BS6 और मैन्युफैक्चरिंग ईयर की बात करें तो ये 2022 ईयर है इसका। और गाइस इस व्हीकल के वेरिएंट्स की बात करें तो आपको चार वेरिएंट्स मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द बॉडी लेंथ, और तीन व्हील बेस में ये अवेलेबल है। तो गाइस पहला जो वेरिएंट है वो है कैब 5100 20 फीट, दूसरा जो वेरिएंट है वो है कैब 5900 22 फीट, तीसरा कैब 5900 24 फीट और चौथा कैब 6700 31 फीट। तो चलिए गाइस बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो गाइस जो चौड़ाई है इस व्हीकल की, जो विड्थ है इस व्हीकल की, वो है 2335 mm, यानी कि 7.6 फीट। ऊपर आपको मैसिव सी विंडशील्ड दी गई है, नीचे आपको वाइपर्स दिए गए हैं। जहाँ पे वाइपर इंस्टॉल है गाइस उसके नीचे ही कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है, जो कि हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का है और ब्लैक टोन में दिया गया है। नीचे जाते ही आपको भारत बेंच की बैजिंग मिलेगी जो क्रोम में बनाई गई है। उसी के नीचे आपको भारत बेंच का लोगो मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको भारत बेंच लिखा हुआ मिलेगा। क्रोम की फिनिश दी गई है आउटर साइड के अंदर, इनसाइड में आपको ब्लैक फिनिश दिया गया है। साइड के अंदर कुछ इस तरीके का शार्प डिज़ाइन दिया गया है और इसके अंदर आपको ग्रिल दी गई है, छोटे छोटे गैप्स दिए गए हैं जो लुक है एनहांस करता है, सेम दूसरी साइड के अंदर। तो जब हम फ्रंट से देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है इस व्हीकल को। उसी के नीचे आते हैं तो आपको मैसिव सा बम्पर दिया गया है और बम्पर के अंदर ही हेडलैम्प्स को लोकेट किया गया है। बीच में आप देख सकते हो छोटी सी गैप दी गई है, फुट रेस्ट दिया गया है, तो आपको जब विंडशील्ड को वाइप करना है तो आप इस पे जस्ट चढ़ के, और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया हुआ है तो जस्ट पकड़ के आप जो विंडशील्ड है वो वाइप कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा प्रोविजन दिया गया है चढ़ने के लिए। और हेडलैम्प्स की बात करें तो आपको हेलोजन बल्ब भी दिया गया है इसमें, अपर डिपर जो है वो, साथ ही साथ जो इंडिकेटर है उसमें भी आपको हेलोजन बल्ब ही मिलेगा। ऊपर साइड में आपको DRL दिए गए हैं, डे टाइम रनिंग लाइट, जो लुक है वो अच्छा प्रोवाइड करते हैं। उसी के नीचे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है, सेम दूसरी साइड के अंदर भी। और जो गाइस बम्पर है वो 110 बोल्ट से फिक्स होता है। जो बोल्ट है वो आपको दिखेंगे तो यहाँ पे दो बोल्ट दिए गए हैं और इस साइड के अंदर भी कुछ तरीके से दो बोल्ट। तो गाइस कुछ ऐसा इसका फ्रंट व्यू है। अब जाते हैं साइड व्यू के अंदर। साइड व्यू की बात करें तो कुछ ऐसा आपको लुक मिलेगा, कुछ इस तरीके से कैबिन आपको दिखती है। फ्रंट में मैसिव सा डोर दिया गया है, उसके जिस तरीके के विंडो दी गई है, पीछे भी आपको विंडो दी गई है, स्लीपर कैबिन है, पीछे बेड दिया गया है। तो जब हमको ओपन करना है तो हम ओपन कर सकते हैं। नीचे जाते हो गाइस तो आपको भारत 6 की बैजिंग मिलेगी, 1917 की बैजिंग मिलेगी। नीचे ही आपको दो स्टेप्स दिए गए हैं चढ़ने के लिए कैबिन के अंदर। इसके साथ गाइस आपको डोर के ऊपर ORVMs दिए गए हैं रियर व्यू देखने के लिए। तो कैबिन के ऊपर आपको नाइट रनिंग लाइट्स दिए गए हैं, मैसिव सा मडगार्ड दिया गया है और इसी के ऊपर आपको टर्निंग इंडिकेटर दिया गया है। और कार्गो बॉडी की बात की जाए तो आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं बॉडी लेंथ के, 20 फीट, 22 फीट, 24 फीट और 31 फीट। ये चार वेरियंट्स आते हैं और चारों में आपको स्लीपर कैबिन दिया जाता है। बॉडी के नीचे ही आपको काफ़ी सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आपको एयर फिल्टर दिया जाता है, पीछे ही आपको साइलेंसर दिया गया है। तो काफ़ी सारे ट्रक्स में आपने देखा होगा जो साइलेंसर है वो चेसिस के नीचे लोकेट किया जाता है, लेकिन भारत बेंच में आपको राइट साइड में लोकेट किया गया है। और कुछ इस तरीके से कवरिंग दी गई है प्रोटेक्शन के लिए साइलेंसर को, मेटेलिक प्रोटेक्शन दी गई है आपको, फाइबर या फिर प्लास्टिक की प्रोटेक्शन नहीं है। जो एड ब्लू का वगैरह जो कनेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से आता है, जो पाइप्स हैं आपको दिखेंगे, और जो एग्जॉस्ट है जो रिलीज़ करने वाला है पाइप वो यहाँ पे लोकेट किया गया है। उसी के पीछे आपको एडब्लू की टैंक दी गई है जो कि 43 लीटर्स की आती है, और उसी के साइड में आपको डीजल टैंक दी गई है जो कि 215 लीटर्स की आती है। तो मेटेलिक टैंक आपको दी गई है। और गाइज इन कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मैसिव सा गार्ड दिया गया है, जो साथ ही साथ गाइज आपको बॉडी के ऊपर नाइट रनिंग लाइट्स दिए जाते हैं। और गाइस लेफ्ट साइड के अंदर आपको 12 वोल्ट्स की बैटरी दी जाती है, और साथ ही साथ आपको स्विच भी दिया जाता है कट ऑफ करने के लिए, ऑफ ऑन करने के लिए। पीछे आपको फ्यूल फिल्टर मिलता है और थोड़ा ही पीछे एयर के टैंक्स दिए गए हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको गाइस काफ़ी सारी स्पेस दिखेगी और इन कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैसिव सा गार्ड दिया गया है। चलिए गाइस बात करते हैं बैक प्रोफाइल से। बैक में आपको मैसिव सा डोर दिया गया है जिसपे भारत बेंच की आपको बैजिंग मिलेगी, और काफ़ी सारे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं डोर के ऊपर और नीचे भी। चढ़ने के लिए भी आपको ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं बॉडी के ऊपर,
और 4 हिंजेस आपको दिए गए हैं डोर के ऊपर। बॉडी की जो ओवरऑल विड्थ है वो 7.9 फीट की है और कुछ इस तरीके से आपको बॉडी मिलेगी। आप देख सकते हो जो रूफिंग है इसकी वो स्ट्रेट दी गई है, स्ट्रेट बार्स दिए गए हैं रूफिंग के ऊपर। तो चलो गाइस अंदर भी जाते हैं और देखते हैं कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है बॉडी की। ऐसी कुछ इसकी बॉडी दी गई है, काफ़ी मजबूत बॉडी है। सर्कुलर पाइप डाला गया है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बॉडी और पिलर्स के लिए स्क्वायर बार दिया गया है और कुछ ऐसा जंक्शन है ऊपर गाइस जो रूफिंग है वो मीट करता है। रूफिंग का बार है वो नट एंड बोल्ट से फिक्स होता है, तो आपको फर्दर पीरियड में अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हो। और ख़ास बात गाइस इसमें आपको विंडो दी गई है, जिस तरीके का ग्रिल दी गई है और कुछ इस तरीके का इसका रूफिंग है कैबिन का। इस व्हीकल का गाइस बॉडी वर्क हो रहा है, जो कार्गो बॉडी है उसमें हम लोग ट्रे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर फिशरीज वगैरह आप ट्रांसपोर्ट करने वाले हो फर्दर पीरियड में तो आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, तो जो कार्गो बॉडी है वो सही सलामत रहेगी। तो गाइस इस बॉडी वर्क का वीडियो मैं इस वीडियो के बाद में डालने वाला हूँ। आयशर अशोक लेलैंड की बॉडी वर्क देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख दीजिए मेरे चैनल को फर्दर वीडियोज़ देखने के लिए। और गेट की बात की जाए तो कुछ ऐसा लुक है अंदर से, सपोर्टिंग पिलर्स दिए गए हैं और काफ़ी मजबूत डोर दिया गया है। ओपन और क्लोज करने के लिए आपको हैंडल्स भी दिए गए हैं। साथ ही साथ गाइस आपको बॉडी के ऊपर कुछ इस तरीके के प्रोविजन की गई है, तो अगर आपको प्लाईवुड वगैरह डालना है पीछे, आप अगर गुड्स भरते हो और आपको पैक करना है प्लाईवुड वगैरह डाल के, तो आप इजीली इसके अंदर प्लाई डाल सकते हो। और ऊपर लॉक भी दिया गया है गाइस, तो आप इजीली इसको बंद भी कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो। और सेम ये साइड के अंदर तो आपको जो विड्थ है गाइस इस कार्गो बॉडी की 7.9 फीट है, तो उस हिसाब से आपको प्लाईवुड लेना होगा, काटना होगा और उस तरीके का डायमेंशन बनाना होगा, तो पीछे का जो पार्ट है वो पैक कर सकते हो। नीचे आपको भारत बेंच की बैजिंग दी गई है और साइड में आपको LED टेल लैंप्स आपको दिए जाते हैं, जो स्टॉप लैंप है, जो रिवर्स लैंप है, जो इंडिकेटर की लैंप है, तीनों आपको LED बल्ब दिए जाते हैं। काफ़ी अच्छा रोड प्रेजेंस मिलता है गाइस, तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। जो पहला है वो जो टेल लैंप है उसके ऊपर ही आपको लोकेट किया गया है, जो 2 सेंसर हैं वो कुछ इस तरीके से चेसिस के नीचे लोकेट किए गए हैं और जो चौथा है वो फिर से टेल लैंप के ऊपर। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आपको दिया जाता है और ये जो सपोर्ट है गाइस वो नट एंड बोल्ट से फिक्स्ड है पीछे। और गाइस द मेन फीचर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया जाता है, तो जिस तरीके का लोकेशन है गाइस तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इस कैमरे को। और जो क्वालिटी है गाइस इस कैमरे की, जब हम इंटीरियर की बात करेंगे तब मैं इसकी क्वालिटी भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ नीचे आपको मैसिव सा गार्ड दिया जाता है, ब्रैकेट्स हैं गाइस वो काफ़ी मजबूत दिए गए हैं, ये भी नट एंड बोल्ट से आपको फिक्स्ड मिलेंगे चेसिस के ऊपर। और कुछ इस तरीके का ब्रैकेट है और नीचे आपको सर्कुलर पाइप वेल्ड किया गया है एज अ गार्ड, तो काफ़ी मजबूत गार्ड लग रहा है गाइस इस व्हीकल के ऊपर। तो गाइस ये था इस व्हीकल का बाहर का व्यू। चलो गाइस ये बात करते हैं स्पेसिफिकेशन से। तो पहला पॉइंट लेते हैं गाइस इंजन का, तो इसमें जो इंजन दिया गया है वो है 4D34i डीजल इंजन, जो कि 4 सिलेंडर के साथ आता है, 3907 cc का है, BS6। और जो मैक्सिमम पावर है गाइस वो है 168 HP का, 2500 RPM इसकी रेंज है। और जो मैक्सिमम टॉर्क मिलता है वो है 520 Nm का, 1400 से 1600 RPM इसकी रेंज है। और ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है, 6 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स आपको मिलता है। मैनुअल ट्रांसमिशन, G65 साइनक्रोमेश टाइप का आपको गियर बॉक्स दिया गया है, 362 mm डायमीटर सिंगल ड्राइव प्लेट आपको क्लच दिया गया है, 80 km/h की आपको मैक्सिमम स्पीड मिलती है, 23.6% की आपको ग्रेडेबिलिटी मिलती है, 215 L की डीजल टैंक दी गई है और एडब्लू के टैंक की बात की जाए तो 43 L की दी गई है। तो गाइस बात करते हैं अभी कॉन्फ़िगरेशन की। पहला पॉइंट लेते हैं GVW ग्रॉस व्हीकल वेट, तो इसका जो GVW है वो है 18,500 kg का, 12,000 kg का प्ले लोड है। और व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये जो करंट वेरिएंट आप देख रहे हो वो कैबिन विद लोड बॉडी के साथ है, आपको कैबिन एंड चेसिस का भी ऑप्शन मिलता है। और गाइस कैबिन टिल्ट मैकेनिज्म की बात करें तो आपको हाइड्रोलिकली टिल्टेबल मैकेनिज्म दिया गया है, व्हीकल के लेफ्ट साइड में आपको ये सिस्टम दिया गया है। 3 व्हील बेस में ये अवेलेबल है, ये पहला है 5100 mm 20 फीट कार्गो बॉडी की लेंथ मिलती है और दूसरा है 5900 mm जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं 22 feet और 24 feet, और जो तीसरा है वो 6700 mm जिसमें आपको एक ही मिलता है 31 feet। चारों वेरिएंट में आपको सेम विड्थ मिलती है 7.6 फीट की। और हाइट की बात करें तो ये भी सेम जो कि है 2590 mm की, 4x2 का एक्सल कन्फिग्रेशन दिया गया है। और गाइस बात करते हैं अभी फ्रंट सस्पेंशन की, तो आपको सेमी इलेप्टिकल लीव स्प्रिंग्स दिए गए हैं फ्रंट के अंदर। और लीव्स की बात करें तो आपको 10 लीव्स दिए गए हैं। रियर के अंदर भी सेम सेमी इलेप्टिकल लीव स्प्रिंग्स आपको दिए जाते हैं, 2 सेट्स दिए जाते हैं, नीचे के सेट में आपको 12 दिए गए हैं, ऊपर के सेट में आपको 9 दिए गए हैं। तो टोटल में गाइस आपको 21 लीव्स दिए जाते हैं एक साइड के अंदर और दूसरे साइड के अंदर भी 21।
लैडर टाइप चैनल विद क्रॉस मेंबर चेसिस फ्रेम दिया गया है। 272 mm का चेसिस का डेप्थ है। विड्थ की बात करें तो 70 mm का है और जो थिकनेस है चेसिस का वो 6 mm का है। 275 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। तो गाइस बात करते हैं अभी टायर्स की। 295 90 R20 के टायर्स दिए गए हैं। 20 22 24 ये तीन वेरिएंट में आपको R20 के टायर्स मिलते हैं और जो 31 फीट वाला वेरिएंट है उसमें आपको R22.5 के टायर्स मिलते हैं जो कि बड़ा साइज़ है। और अवेलेबिलिटी की बात करें तो 6+1 की है। 6 आपको रनिंग मिलते हैं और एक स्टेपनी दिया जाता है, स्पेयर व्हील दिया जाता है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। तो चलिए गाइस अभी जाते हैं कैबिन के अंदर और देखते हैं कैसा इसका इंटीरियर है और क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो गाइस ये रही की इस व्हीकल की, कुछ इस तरीके की आपको की मिलती है। डोर के अंदर साइड में कुछ ऐसा आपको लुक मिलेगा। ब्राउन ट्रिम दी गया है। जो कवर है गाइस इन साइड में वो ब्राउन कलर का दिया गया है। ऊपर ही गाइस आपको हैंडल मिलता है ओपन क्लोज करने के लिए, साथ ही साथ आपको लॉक भी दिया गया है। नीचे साइड में आपको स्पीकर्स दिए गए हैं, म्यूजिक वगैरह आप एंजॉय कर सकते हो। कुछ इस लोकेशन पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। 2-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। पीछे का रेस्ट है वो इंक्लाइन रिक्लाइन कर सकते हो और ये लीवर आप ऊपर करके आगे पीछे भी कर सकते हो। तो फाइनली गाइस आ गया हूँ इस व्हीकल के अंदर और अभी डोर को करते हैं क्लोज। और सब में पहले गाइस हम विंडोज़ को नीचे करते हैं। कोई भी आपको नॉब नहीं दिखेगा विंडो ओपनिंग के लिए क्योंकि ये पावर विंडो के साथ आती है। ये जो बटन्स हैं वो कुछ इस तरीके से लोकेटेड हैं। जस्ट इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है उसके बाजू में आपको लोकेट किया गया है दोनों साइड का। दोनों साइड आपको पावर विंडोज़ मिलते हैं ऊपर और ये नीचे करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से गाइस ये जो पावर विंडोज़ हैं वो ऑपरेट होते हैं। स्मूथ ऑपरेशन है विंडोज़ का। ये भी ऊपर करते हैं। तो चलिए गाइस व्हीकल को करते हैं ऑन। विंडोज जो हैं वो ऊपर कर लिए मैंने। तो कैबिन के अंदर कितना नॉइज आता है ये देखेंगे इंजन का। तो चलिए ऑन करते हैं। काफी अच्छा स्मूथ स्टार्टिंग है इस व्हीकल के अंदर। तो गाइस अभी एसी को करते हैं पहले ऑन, उसके बाद हम डिटेल में बात करते हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। तो चलिए गाइस बात करते हैं अभी स्टेयरिंग व्हील से। तो कुछ ऐसा गाइस आपको स्टेयरिंग व्हील दी जाती है। 4 स्पोक्स आपको स्टेयरिंग व्हील दी गई है। लेदर रैप्ड है जो व्हील है गाइस, उस पर आपको लेदर रैपिंग आपको मिलेगी। और जो हॉर्न पैड है वो आपको हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का दिखाई देगा। और सेंटर में आपको भारत बेंज की बैजिंग मिलेगी। स्टेयरिंग के नीचे लेफ्ट साइड में वाइपर्स का कंट्रोल दिया गया है। राइट साइड में आप हेडलैम्प्स के कंट्रोल दिए गए हैं। बात करते हैं गाइस डैशबोर्ड की। तो ड्यूल टोन आपको दिया गया है, ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन। राइट साइड के अंदर गाइस आपको एयर वेंट्स दिए गए हैं सेम यहाँ पे। तो कुछ ऐसा लोकेशन है तो काफ़ी अच्छी पोजिशनरिंग है ड्राइवर के लिए। सेंटर में आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है। स्पीडोमीटर है वो एनालॉग में आपको दिया जाता है। जो आरपीएम मीटर है वो भी एनालॉग में आपको दिया गया है। और बीच में आपको छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। 2605 किलोमीटर चल चुकी है। राइट साइड में दिया गया है वो एड ब्लू का मीटर है और लेफ्ट साइड में दिया गया है फ्यूल का मीटर है। पावर विंडोज के कंट्रोल मिलेंगे। दोनों जो डोर है गाइस पावर विंडोज के साथ आते हैं तो आप इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। साइड में गाइस आपको छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है। ये व्हीकल गाइस रिवर्स पार्किंग कैमरे के साथ आती है और रियर जो व्यू है वो देखने के लिए। नीचे गाइस आपको स्टीरियो दिया गया है। आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलती, सिर्फ आपको एक छोटा सा डिस्प्ले दिया जाता है। स्टॉक स्टीरियो आपको मिलता है और इसके मल्टीपल कंट्रोल्स भी आप देख सकते हो। USB वगैरह लगा के आप म्यूजिक सुन सकते हो। नीचे गाइस आपको वेरियस कंट्रोल्स दिए गए हैं। फैन है उसका कंट्रोल दिया गया है बीच में। तो इसके 4 लेवल्स आपको दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। ये जो व्हीकल है वो AC वेरिएंट है। तो कुछ ऐसा इसका बटन दिया गया है और बाजू में ही गाइस आपको सर्कुलेशन का बटन दिया गया है। तो कुछ ऐसा गाइस कंट्रोल है, अभी नॉर्मल पोजीशन में रखते हैं इसको। कूल और हीट का भी ऑप्शन दिया गया है। ये आप यहाँ पे करोगे तो हॉट एयर जो है वो ब्लो करेगी। सॉकेट दिया गया है, आपको मोबाइल वगैरह चार्ज करना है तो आप इजीली कर सकते हो। दूसरे साइड के अंदर भी 2 वेंट्स दिए गए हैं को ड्राइवर के लिए भी और काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। मोबाइल वगैरह आपको रखना है तो इस स्टोरेज बॉक्स में रख सकते हो। नीचे आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है। कुछ ऐसा गाइस आपको रूफिंग दी गई है। ऊपर में भी गाइस आपको छोटा सा स्टोरेज दिया गया है, आप पेपर वर्क वगैरह रखना है तो आप रख सकते हो।
काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है अंदर से। बीच में ही गाइस आपको कैबिन लाइट दी गई है, ये साइड में भी कुछ इस तरीके से स्टोरेज दिया गया है ऊपर में, और मैसिव सा गाइस सनवाइजर है, काफी बड़ा अच्छा सनवाइजर दिया गया है, को ट्रैवल के लिए आपको नहीं मिलता। बात करते हैं अभी सीटिंग कैपेसिटी की, तो डी प्लस टू की सीटिंग कैपेसिटी दी जाती है ड्राइवर प्लस, अभी दो लोग आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो लॉन्ग रूट के लिए। काफी अच्छा स्पेस दिया गया है, दो बॉटल होल्डर के लिए स्टोरेज दिए गए हैं, तो काफी अच्छा है। यहाँ पे आप की वगैरह कॉइन वगैरह रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक्स दिए गए हैं, आगे आपको गियर दिया जाता है जो कि 6 स्पीड के साथ आता है। तो ओवरऑल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है गाइस ड्राइवर के लेफ्ट साइड के अंदर। और विंडोज की बात करें तो कुछ ऐसा गाइस विंडोज दिए गए हैं, ये ओपन होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक दिया गया है, तो इजीली आप खोल सकते हो गाइस इस विंडो को कुछ इस तरीके से गाइस, इतनी ओपन हो जाती है। तो कुछ ऐसा गाइस मैकेनिज्म दिया गया है विंडो ओपन और क्लोज करने के लिए। बात करते हैं अभी स्लीपर बेड की, तो कुछ इस तरीके का गाइस स्पेस दिया गया है, काफी अच्छा मैसिव सा स्पेस है, स्लीपिंग बेड दिया गया है, एक आदमी है वो इजीली यहाँ पे हो सकता है, ज्यादा लोग हैं आपके पास तो आप इजीली और भी लोग बिठा सकते हैं, कंफर्टेबली 4 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो टोटल लोगों की बात करें, ड्राइवर एक हो गया, यहाँ पे 2 बैठ सकते हैं और पीछे और भी 4 लोग बैठ सकते हैं, तो टोटल गाइस 7 लोग बैठ सकते हैं इस कैबिन के अंदर। चलिए गाइस बात करते हैं फीचर्स की। तो गाइस पहला पॉइंट लेते हैं स्टीयरिंग व्हील का, हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील दी जाती है, और साथ ही साथ गाइस आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक के एडजस्टमेंट भी दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसा गाइस आपको लीवर दिया गया है, जब आपको पुल करना होता है ऊपर कुछ इस तरीके से, अभी आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो, तो ये आप टिल्ट कर सकते हो आगे पीछे। तो गाइस कुछ ऐसा इसका रेंज है, और ऊपर नीचे की बात करें तो गाइस कुछ इस तरीके से ऊपर आता है, और ये रहा नीचे। जो टिल्ट का मैकेनिज्म है वो काफ़ी लॉन्ग है, टेलीस्कोपिक के एडजस्टमेंट की बात करें तो काफ़ी शॉर्ट है। तो गाइस यही हाईएस्ट पोजीशन है ऊपर होने की, जो भी आपका सूटेबल एडजस्टमेंट है उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो, और जो लीवर है गाइस उसके जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें ला के आप रख सकते हो। तो ये लॉक हो गया है अभी, तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है अभी आगे पीछे नहीं होगी। 2 एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, जो पीछे का रेस्ट है वो इंक्लाइन और डिक्लाइन हो सकता है, उसमें भी छोटा सा लीवर दिया गया है, आप इजीली इसको आगे पीछे कर सकते हो। तो काफ़ी गाइस अच्छी पोजीशनिंग है सीटिंग की भी। बात करते हैं गाइस केबिन सस्पेंशन की, तो शॉक अब्जॉर्बर्स दिए जाते हैं इस व्हीकल में, आपको क्रूज कंट्रोल नहीं दिया जाता, तो क्रूज कंट्रोल से हम जो स्पीड है गाइस वो सेट कर सकते हैं, और उसी स्पीड में गाइस ये व्हीकल चलती रहती है, लेकिन इस व्हीकल में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता। तो गाइस ये थे इसके फीचर्स, अभी बात करते हैं सेफ्टी की। तो गाइस पहला पॉइंट लेते हैं सर्विस ब्रेक का, तो आपको एयरबैग्स दिए जाते हैं फिनोमेटिकली ऑपरेटेड। बात करते हैं गाइस अभी पार्किंग ब्रेक की, तो आपको स्प्रिंग एक्टिवेटेड विद हैंड ब्रेक वॉल्व के साथ दिया जाता है, को ड्यूअल लाइन एबीएस दिया जाता है इस व्हीकल के अंदर। एंटी रोल बार की बात करें, फ्रंट और रियर में दोनों में ऑप्शन दिया जाता है, दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट दिए गए हैं। साथ ही साथ गाइस आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया जाता है विद रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ आता है, तो 4 सेंसर्स आपको दिए जाते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वालिटी कैसी है, देखते हैं कैसा व्यू प्रोवाइड करता है पीछे का। अभी रिवर्स लग गया है, बीप का साउंड आ रहा होगा आपको कैबिन के अंदर, ये पीछे ऑब्स्टेकल है इस वजह से बीप हो रहा है। तो अभी क्वालिटी की बात करें तो कुछ ऐसी गाइस इसकी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, कलर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो आप देख सकते हो पीछे ऑब्स्टेकल आपको दिखाई देगा, पिलर आपको दिखाई देगा, और उसकी साइड में आपको एक्टिवा वगैरह खड़ी है आपको दिखाई देगी। आप इजीली आप स्पॉट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, और इजीली आप रिवर्स ले सकते हो, तो इस वजह से गाइस जो सेफ्टी है व्हीकल की वो इंक्रीज भी होगी। तो चलिए गाइस अभी रिवर्स को करते हैं ऑफ, डिस्प्ले बंद हो जाएगा अभी, तो कुछ इस तरीके से गाइस जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाता है, सिर्फ कैमरे के लिए ये दिया गया है डिस्प्ले। इस नॉब को मैंने एक ही लेवल पे अभी रखा हुआ है, और एसी भी चालू है, तो काफ़ी अच्छी कूलिंग है गाइस इस व्हीकल के अंदर। तो गाइस ये था इस व्हीकल का इंटीरियर, और ये थे इसके फीचर्स और सेफ्टी पॉइंट्स। तो चलिए गाइस अभी जाते हैं बाहर और बात करते हैं अभी प्राइसिंग की। तो गाइस जो एक शोरूम प्राइस है इस व्हीकल की वो स्टार्ट होती है 26,90,000 से, और एंड होती है 29,30,000 तक। तो आपको ये व्हीकल 3 व्हील बेस में अवेलेबल है, 4 डिफरेंट बॉडी लेंथ में भी अवेलेबल है, साथ ही साथ कैबिन एंड चेसिस का ऑप्शन मिलता है, कैबिन विद लोड बॉडी का ऑप्शन मिलता है, तो उस हिसाब से गाइस ये प्राइस रेंज है। तो ये व्हीकल जो है वो 20 फीट की है, तो ओनर को ये व्हीकल ऑन रोड 29 लैक्स में मिली है। और गाइस माइलेज की बात करें तो आपको 5 से 5.5 KMPL का माइलेज मिलता है एज पर जो ओनर ने मुझे बताया है। तो गाइस वारंटी की बात करें तो आपको 3 इयर्स की वारंटी मिलती है, या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर ऑन ड्राइव लाइन की आपको वारंटी दी जाती है। तो गाइस ये व्हीकल आप किसी भी लोड के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे वो मार्केट लोड हो, पोल्ट्री, मिल्क, फिशेज,
लिक्विड ट्रांसपोर्ट करना है, लिक्विड गैस ट्रांसपोर्ट करनी है, पार्सल, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टेक्सटाइल, स्टील और इंडस्ट्री गुड्स, तो ये सब गाइज आप लोड ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो गाइज यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपना वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए। मैं ऐसे ही ऑटोमोटिव कंटेंट लाते रहता हूँ, चाहे वो बॉडी वर्क हो, चाहे वो रिपेयर एंड रिस्टोरेशन वर्क हो, चाहे वो नए व्हीकल के रिव्यूज़ हो, सब आपको मेरे चैनल मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख दीजिए फर्दर वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।